सो हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक और नए वीडियो में। और सवाल नया ये है, लगातार कमेंट्स के माध्यम से पूछा ये जा रहा है कि बिहार में जो नया जो ग्रेजुएशन का सिस्टम लागू हुआ है, जो सिस्टम 2023 से जो नया नया सिस्टम ग्रेजुएशन का लागू हुआ है, नया नया सिस्टम का क्या मतलब है? मतलब है कि बिहार में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2023 में लागू हुआ है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है? अगर हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात करें तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है? तो आपको पता है कि ये जो गवर्नमेंट है, जो केंद्र सरकार की गवर्नमेंट है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाती है 2020 में। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में केंद्र सरकार में आता है, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 2020 में ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी लग जाती है। इसके बाद केंद्र सरकार राज्य सरकार को कहती है कि देखिए, केंद्र में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गया है, बट आपका काम है कि धीरे धीरे आप भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लगा दीजिए, मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू कर दीजिए। तो बिहार के जो गवर्नर साहब है, जो बिहार के चांसलर होते हैं, मतलब सारे यूनिवर्सिटीज के मालिक है, मतलब कि उन्हीं के अंडर में सारी शिक्षा व्यवस्था बिहार की चलती है, तो इनके द्वारा पिछले साल यानी 2023 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बिहार में लगा दिया गया था। इससे क्या हुआ? इससे कुछ चीजें चेंज हो गई। चेंज क्या हो गई? चीजें चेंज हो गई कि जो ग्रेजुएशन 3 साल का पहले बिहार में होता था, वो ग्रेजुएशन अब 4 साल का हो गया। चीजें हुई कि जो 3 साल का ग्रेजुएशन था, वो ग्रेजुएशन 4 साल का हो गया। जो ग्रेजुएशन पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थर्ड करके 3 साल में होता था, ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल, ये भी चेंज हो गया। और ये चेंज हो गया, पहला सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर, तीसरा सेमेस्टर, चौथा सेमेस्टर, पांचवा सेमेस्टर, छठा सेमेस्टर, सातवां सेमेस्टर, आठवां सेमेस्टर, इस तरीके से ये सेमेस्टर सेमेस्टर का सिस्टम आ गया। ये नया नया चीज आ गया 2023 में। तो सवाल यहाँ पे ये है, सवाल क्या है? सवाल है कि आपको कितना पढ़ना है, यानी आपका जो ग्रेजुएशन है बिहार में अब ग्रेजुएशन कितने साल का है? इस तरीके के सवाल आप भी गूगल पे सर्च करोगे, जैसे मैंने सर्च किया कि बिहार में ग्रेजुएशन अब कितने सालों का है, और क्या आप 4 साल पढ़िएगा तब यूपीएससी या बीपीएससी का फॉर्म अप्लाई कर पाइएगा, या फिर आपको जॉब मिलेगा, या जो सरकारी जो जितने सारे जो गवर्नमेंट जॉब निकलते हैं उनके लिए आपको कितना पढ़ना पड़ेगा, 4 साल, 3 साल, 2 साल या 1 साल? क्योंकि इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया है कि मल्टीपल एंट्री है, मल्टीपल एग्जिट है, मतलब जब तक मन करे तब तक पढ़ो, मन करे पढ़ने का छोड़ दो, फिर मन करे फिर पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो इसका क्या मतलब है? हम 1 साल पढ़ देंगे तो हम ग्रेजुएशन, मतलब 1 साल हम पढ़ देंगे तो क्या मेरा ग्रेजुएशन हो जाएगा? क्या 2 साल पढ़ेंगे तब ग्रेजुएशन होगा, या 3 साल पढ़ना पड़ेगा, या 4 के 4ों साल पढ़ना पड़ेगा? इस तरीके के कई सारे सवाल आपके मन में होंगे और सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि बिहार में एग्जैक्टली कितने टाइम में ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, आपको कितना साल पढ़ना चाहिए, और कितना साल पढ़ते हैं तो कौन कौन सा सर्टिफिकेट मिलता है, क्योंकि ये आप पर डिपेंड है। अगर पढ़िएगा अच्छे से, अगर आप कम टाइम पढ़िएगा तो डिप्लोमा मिलेगा, ज्यादा पढ़िएगा ऑनर्स मिलेगा, ग्रेजुएशन मिलेगा, ये अलग अलग डिग्री भी क्या है, सबके बारे में बात करते हैं। तो देख देख सकते हैं, यही कंटेंट है। कंटेंट है कि नई व्यवस्था के तहत में सीबीसीएस लागू होने के बाद स्नातक का पाठ्यक्रम 4 साल का हो जाएगा, और इसमें 8 सेमेस्टर होंगे। राजभवन ने विद्यार्थियों के बीच उत्पन्न हुई दुविधा को दूर करते हुए कि स्पष्ट किया है कि पहले की तरह 3 साल की पढ़ाई यानी 6 सेमेस्टर में पूर्ण करने पर उन्हें स्नातक की उपाधि दे दी जाएगी। क्या है, चलिए डिटेल में बात करेंगे, शॉर्टकट में काम चलेगा नहीं, और डिटेल में आपको पता भी होना चाहिए। तो पहले समझते हैं अच्छे से क्या क्या चीजें हैं, मैं चीजें आपको पहले समझाता हूँ, उसके बाद जो भी आपका डाउट होगा फिर आप में बताइएगा। देखिएगा, होता है क्या कि 2020 में, 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं एनईपी, एनईपी इंडिया में आया, और इंडिया में इसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्लाई किया, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे क्या किया, अप्लाई किया। आप समझ गए, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब कि केंद्र सरकार, मतलब सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जैसे अलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, सब जगह हो गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी, सब जगह लागू हो गया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहता क्या है ये समझिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहता है कि अब जो ग्रेजुएशन होगा वो होगा सीबीसीएस के अंडर में। किसके अंडर में? सीबीसीएस के अंडर में। सीबीसीएस का मतलब होता है क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम, यानी क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम का मतलब होता है कि जो आपका चॉइस करे वो आप पढ़ो। ये एक ऐसा नया सिस्टम है। क्रेडिट का मतलब होता है कि जैसा आप पढ़िएगा वैसा हम आपको पॉइंट देंगे, जैसे आप गेम खेलते हैं पॉइंट मिलता है, उसी तरीके से कि जैसा आप पढ़िएगा वैसा पॉइंट देंगे, मतलब जैसा पढ़िएगा, मतलब ये क्या है, जैसा आप इसको समझिए। बेस्ड का मतलब क्या होता है, बेसिस पर, यानी जैसा, मतलब जैसा आप क्रेडिट, क्रेडिट ये कोर्स है, ये कोर्स है, ये पढ़ना है, इसको आप ऐसे रखिए।
मतलब जैसा आप पढ़िएगा वैसा आपको पॉइंट मिलेगा, और यही सिस्टम सीबीसीएस सिस्टम कराता है। और अच्छे से समझते हैं सीबीसीएस को। सीबीसीएस का मतलब हो गया कि स्टूडेंट के पास आजादी है, मतलब ये कोर्स का एक टाइम फिक्स है। मतलब जनरली कहा गया कि हम पूरा जो ग्रेजुएशन है वो 4 साल का रखेंगे, और 4 साल का ग्रेजुएशन में 8 सेमेस्टर होगा। जैसे 1 साल पढ़ते हैं तो कहते थे ना, जैसे आप स्टार्टिंग में क्या कहते थे, पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, चौथा क्लास, उसी तरीके से जो ग्रेजुएशन था उसको रखा गया 4 साल का। मतलब तो रखा गया 4 साल का, बस रखा गया कि अब 4 साल तक ज्यादा से ज्यादा कोई ग्रेजुएशन पढ़ सकता है, क्योंकि जैसा पढ़ेगा वैसा पॉइंट मिलेगा। तो ये तो एक प्रकार का गेम हो गया, जितना ज्यादा खेलिएगा उतना पॉइंट मिलेगा। तो उसी तरीके से ग्रेजुएशन 4 साल का एक मैक्सिमम डिसाइड कर दिया गया है। अब 1 साल का पढ़िएगा तो 1 साल के हिसाब से क्रेडिट पॉइंट मिलेगा, 2 साल पढ़िएगा तो 2 साल के हिसाब से पॉइंट मिलेगा, 3 साल पढ़िएगा तो 3 साल पॉइंट मिलेगा, 4 साल पढ़िएगा तो 4 साल का पॉइंट मिलेगा। ये तो सिंपल स्ट्रेटजी है। तो ये आपके पढ़ने पर डिपेंड है, ये आपके पढ़ने पे डिपेंड है कि जैसा पढ़िएगा वैसा आपको पॉइंट मिलेगा। तो 4 साल का ग्रेजुएशन रखा गया। अब इसमें हर 6 6 महीना पे क्लास चेंज होता है। जैसे पहला 6 महीना पढ़िएगा तो कहलाएगा पहला सेमेस्टर, फिर कीजिएगा तो दूसरा, फिर कीजिएगा तो तीसरा, फिर कहिएगा तो चौथा, इसके बाद फिर कीजिएगा तो पांचवा, फिर कीजिएगा छठा, फिर कीजिएगा सातवां, फिर कीजिएगा आप आठवां। इस तरीके से आपका 8 क्लास होगा, मतलब 8 बार क्लास चेंज होगा आपका, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अब ये आप पर निर्भर करता है। अगर आप पहले सेमेस्टर तक पढ़िएगा तो कम पॉइंट, दूसरे सेमेस्टर तक पढ़िएगा तो ज्यादा पॉइंट, तीसरे तक पढ़िएगा उससे ज्यादा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। अगर आप 8वें सेमेस्टर तक पढ़ दीजिएगा तो आपके पास मैक्सिमम पॉइंट रहेगा, मतलब बहुत ज्यादा आपके पास पॉइंट रहेगा। पॉइंट कितना होता है, कितना क्रेडिट पॉइंट का कोर्स होगा, आगे और भी बात करेंगे डिटेल में, वो आगे देख लेते हैं, पहले ये समझ लीजिए। अब बात आता है कि मिनिमम कितना पढ़ा जाए ग्रेजुएशन, मतलब मिनिमम कितना सेमेस्टर तक पढ़ा जाए, मतलब कितना पॉइंट मिनिमम हो तब आप फॉर्म भर सकते हैं। तो इसी को कहा गया है। तो ये चीजें क्लियरेंस कर दी गई थी और इस आर्टिकल में भी क्लियर किया गया। सही से देखिएगा तो इस आर्टिकल में यही क्लियर कहा गया कि कम से कम आपको क्या करना है, पहले की तरह 3 साल की पढ़ाई यानी 6 सेमेस्टर तक आपको पढ़ना है, तब आप क्या हो जाइएगा, इलिजिबल हो जाइएगा कोई भी गवर्नमेंट जॉब या फॉर्म भरने के लिए। मतलब आप जब पढ़िएगा, जब आप एडमिशन ले तो ग्रेजुएशन हो गया 4 साल का ही, लेकिन आपको पढ़ लेना है कितने टाइम तक, कम से कम। तो इसमें आपको कम से कम पढ़ देना है पहला सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर, तीसरा सेमेस्टर, चौथा सेमेस्टर, पांचवा सेमेस्टर, छठा सेमेस्टर। कम से कम कहा जाता है कि छठा सेमेस्टर तक पढ़िए, मतलब छठा सेमेस्टर तक जितना पॉइंट मिलता है उतना पॉइंट आप जरूर लाइए। उससे क्या हो जाएगा, यानी कि अगर आप छठा सेमेस्टर तक पढ़ लेते हैं तो यूपीएससी के लिए फॉर्म भर सकते हैं, बीपीएससी के लिए फॉर्म भर सकते हैं, जो भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, कोई भी स्टेट का हो। इसके साथ गवर्नमेंट जितना भी जॉब है, चाहे बिहार सरकार का हो या केंद्र सरकार का हो, एसएससी सीजीएल है, इसके बाद बहुत सारे जो जितने भी सारे जॉब है, रेलवे है, बैंकिंग है, डिफेंस है, एफकैट है, सब कुछ के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं, यानी सब कुछ के लिए एलिजिबल है। यानी कहने का मतलब बस 3 साल पढ़िए ना, 4 साल का कोर्स रखा गया है, 4 साल कौन करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन 3 साल तक पढ़िए तो सारा फॉर्म आप अप्लाई कर सकते थे। ये जो आपके मन में दुविधा चल रहा था, ये दुविधा को मैंने खत्म किया। अभी सीबीसीएस पे बात अपना बाकी है, लास्ट तक बने रहिएगा, सारा राम कहानी समझ में आएगा। लास्ट तक नहीं बने रहिएगा, आधा अधूरा ज्ञान समझ में आएगा, क्योंकि नया नया सिस्टम है, ये किसी को ज्यादा पता भी नहीं। पिछले साल भी मैंने वीडियो दिया था, लगभग 35,000 स्टूडेंट ने उस वीडियो को देखा था और सबके मन में ये डाउट खत्म हुआ था, क्योंकि ये नया नया सिस्टम 2023 में लागू हुआ था, बहुत कुछ समझ में नहीं आया था, इसलिए मैं अच्छे से उस वीडियो में भी समझाया था और उसका ये दूसरा पाठ है। कहिए आगे समझते हैं। अब सवाल आता है, ये आपने जान लिया कि गवर्नमेंट जॉब के लिए या बीपीएससी के लिए या यूपीएससी के लिए 3 साल तो भाई कम से कम पढ़ना चाहिए, तो 4 साल कौन पढ़ेंगे? अब देखिए आगे बताते हैं। देखिएगा, आप जान रहे हैं कि पढ़ाई किसी भी एज में आप कर सकते हैं और पढ़ाई की कोई सीमा नहीं होती है, जितना जिसका मन करे उतना पढ़े। तो आप तो भाई जॉब के चक्कर में, या आप यूपीएससी के चक्कर में या बीपीएससी के चक्कर में, तो आपने शॉर्टकट से काम चला लिया 3 साल से, ये सरकार ने रूल बनाया। लेकिन जिसको टीचर बनना है, जिसको प्रोफेसर बनना है, जिसको रिसर्च करना है, इसी पढ़ाई में ही करियर बनाना है, मतलब तो पढ़ने पढ़ने में ही करियर बनाना है, तो कोई प्रोफेसर बनेगा, कोई टीचर बनेगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा, तो वैसे में उसको क्या जरूरत होती है, उसको डीप पढ़ाई की जरूरत होती है, डीप एनालिसिस की जरूरत होती है। तो सरकार ने सजेशन दिया कि देखिए भाई, जिसको एजुकेशन में करियर बनाना है वो 4 साल ही पढ़ना है। पढ़ने से क्या फायदा होगा, जो 4 साल पढ़ेगा उसको रिसर्च में फायदा मिलेगा, मतलब रिसर्च कर सकते हैं आराम से। जो जब यूजी के बाद यानी ग्रेजुएशन के बाद की आगे की पढ़ाई को हम लोग पीजी कहते हैं, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन, और कायदे से पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल का होता है, लेकिन जो 4 साल का ग्रेजुएशन करेगा उसका पीजी फिर 1 साल में ही खत्म हो जाएगा। यानी ऑल ओवर ये 4 साल उनके लिए है जिनको टीचिंग सेक्टर में करियर बनाना है, जिनको टीचिंग एक प्रोफेशन बनाना है,
प्रोफेसर बनना है या फिर पीजी करना है या फिर रिसर्च करना है या फिर पीएचडी करना है, यानी ऑल ओवर अगर आपको टीचिंग लाइन में करियर बनाना है, अगर आपको एजुकेशन सेक्टर में करियर बनना है, तो 4 साल पढ़िए, अदरवाइज 3 साल पढ़िए। अदरवाइज क्या है, अदरवाइज सबसे सिंपल है, 3 साल पढ़िए, 3 साल में आपका सब कुछ, सब फॉर्म भराएगा, यूपीएससी बीपीएससी सब कुछ भराएगा। तो ये मैंने बात कर लिया। अब बात कर लेते हैं सीबीसीएस के बारे में, डिटेल बात है। सीबीसीएस के बारे में आपने जान लिया कि सीबीसीएस का मतलब क्या होता है, क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम होता है। और क्रेडिट बेस्ड जो चॉइस सिस्टम है, ये सिस्टम का मेन बात क्या है, ये सिस्टम है आप जैसा पढ़िएगा वैसा आपको क्या मिलेगा, पॉइंट मिलेगा। मतलब जैसा आप पढ़ाई कीजिएगा उस हिसाब से आपको क्या मिलेगा, पॉइंट मिलेगा। तो 3 साल 4 साल का तो कंफ्यूजन आपने समझ लिया कि जितना आप 3 साल में आप सारे फॉर्म भर सकते हैं, 4 साल में आप एजुकेशन के लिए, तो 4 साल आप पढ़िएगा। तो क्रेडिट बेस्ड का मतलब समझ चुके थे कि क्रेडिट मतलब क्या होता है, कि जमा होते जाता है। तो ये जो सीबीसीएस सिस्टम है जिसको लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं, इस सीबीसीएस के बारे में डिटेल में क्या बता रहे थे, सीबीसीएस में सी क्या है, क्रेडिट के लिए है, मतलब पॉइंट मिलेगा, जैसे गेम में मिलता है पॉइंट वैसे पॉइंट मिलेगा। बेस्ड का मतलब होता है जैसा आप खेलिए, मतलब जैसा पढ़िए वैसा पॉइंट मिलेगा, जैसा पढ़िए वैसा पॉइंट मिलेगा। और चॉइस मतलब है आपका मन का मर्जी है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। आपको मैथ करे मैथ पढ़ने का तो मैथ भी पढ़िए, आपको मन करे हिंदी पढ़ने का तो हिंदी भी पढ़िए, आपको मन करे नहीं हम हिस्ट्री भी पढ़ेंगे तो हिस्ट्री भी पढ़िए। इसलिए स्टूडेंट के पास में 6 चॉइस दिया गया है, 6 चॉइस दिया गया, मतलब अब जो ग्रेजुएशन है इसमें 6 सब्जेक्ट होते हैं, मतलब 6 चॉइस आप ले सकते हैं। पहले का क्या सिस्टम में था, पहले आदमी कोई एक विषय से ग्रेजुएशन करता था जिसको हम लोग ऑनर्स सब्जेक्ट कहते थे। तो अब ये ऐसा सिस्टम नहीं है, अब जो नया एजुकेशन सिस्टम है उसमें 6 सब्जेक्ट का आ गया है नाम। क्या क्या 6 सब्जेक्ट है जानिए, 6 सब्जेक्ट है। एक को कहते हैं मेजर यानी एमजेसी, दूसरा कहलाता है एमआईसी यानी माइनर, तीसरा सब्जेक्ट कहलाता है एमडीसी यानी कहने का मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, चौथा कहलाता है एईसी यानी एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, पांचवा कोर्स कहलाता है वीएसी यानी कहने का मतलब वैल्यू एडेड कोर्स, और फिर एक और कोर्स होता है जिसका नाम है एसईसी मतलब स्किल एनहेंसमेंट कोर्स। इस प्रकार से 6 अलग अलग पेपर हैं। अब क्या क्या किसका नाम है शॉर्ट में जानते हैं, आगे इसको लेकर के और भी वीडियोस देंगे आपको, जैसा डिमांड होगा आपको, जो चीज नहीं समझ में आएगा कमेंट कीजिएगा, उससे रिलेटेड वीडियो देंगे। मेजर का मतलब होता है जिसमें आपका ज्यादा मन है पढ़ने का उसको मेजर कहते हैं। जैसे किसी को मन करता होगा कि बीए हम करें, मतलब आर्ट्स से पढ़ाई करें हिस्ट्री में, तो उसका मेजर क्या हो जाएगा, हिस्ट्री हो जाएगा। माइनर का मतलब क्या है, एमआईसी, एमआईसी का मतलब पता है जिसमें आपका कम इंटरेस्ट है। मतलब एक चीज पहले डिसाइड कर लीजिएगा माइंड में, क्या डिसाइड कर लीजिएगा ये जान लीजिए। आपने क्लास 12 किया तो क्लास 12 आप किए ना किसी एक चीज में जी, चाहे आप साइंस में किए होंगे, चाहे आप आर्ट्स में किए होंगे, चाहे आप कॉमर्स में किए होंगे, इस तरीके से किए होंगे। तो उसी तरीके से ग्रेजुएशन आपको कौन सा फैकल्टी में करना है, कौन सा कह सकते हैं कौन सा एजुकेशन लाइन में करना है, आपको आर्ट्स में करियर बनाना है या साइंस में करियर बनाना है या मैथ में करियर बनाना है, तो जिसमें आपको करियर बनाना है उसी में से कोई सब्जेक्ट आपका मेजर और माइनर रहेगा। जैसे अगर किसी स्टूडेंट्स को साइंस में करियर बनाना है तो इसका जो मेजर पेपर है ये भी क्या होगा, कोई साइंस का होगा, तो मान लेते हैं मेजर में इसने मैथ ले लिया, और एमआईसी भी इसको क्या रखना पड़ेगा, साइंस का ही पेपर रखना पड़ेगा। तो यही मैं बता रहा हूँ कि जिस चीज में आपको करियर बनाना है वही पेपर आपको मेजर में लेना पड़ेगा, और उसी का कोई एक पेपर आपको माइनर में भी लेना होगा। जैसे मैंने बताया साइंस वाला मैथ ले लिया माइजर में, माइनर मैथ ले लिया मेजर में, और फिजिक्स ले लिया माइनर में। अगर आप आर्ट्स वाले हैं तो मान लेते अपने हिस्ट्री ले लिया मेजर में, तो माइनर में आप ले लिए पॉलिटी या ज्योग्राफी। तो ये मेजर माइनर का बात आप समझ गए होंगे, माइनर का मतलब होता है कम इंटरेस्ट, मेजर का मतलब होता है ज्यादा इंटरेस्ट। तो मेजर माइनर समझ गए। अब आता है एमडीसी, एमडीसी का मतलब होता है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, मतलब मल्टीपल चॉइस, मतलब आप अपना फैकल्टी भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने आप एक साइंस का कोर्स कर रहे हैं, मतलब मेजर आपने साइंस लिया माइनर आपने साइंस लिया, और मन कर जाए नहीं हम मल्टी डिसिप्लिनरी कोई आर्ट्स का पेपर लेंगे, मतलब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो कोई बात नहीं, साइंस वाला लड़का भी हिस्ट्री पढ़ सकता है, साइंस वाला भी लड़का हिस्ट्री पढ़ सकता है, तो पढ़े, इस पेपर का नाम क्या है, एमडीसी है। तो यही न्यू एजुकेशन पॉलिसी था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसलिए आया कि बच्चा के पास बहुत ज्यादा ऑप्शन रहे। अब देखिए 6 6 सब्जेक्ट से आपका समझिए ग्रेजुएशन होगा, मतलब 6 सब्जेक्ट में आपका क्या है, नॉलेज है। तो मन होगा तो आप जॉब, मन होगा मतलब आपका जरूरत है, मन हुआ कि नहीं मेरा करियर बन रहा है मेजर से, मतलब मेरा करियर बन रहा है साइंस से, तो साइंस वाले जॉब में चले जाइए। मन हो कि मेरा करियर बन रहा है आर्ट्स में, तो आर्ट्स वाले में चले जाइए। मन हो कि मेरा करियर बन रहा है कॉमर्स वाले, तो कॉमर्स वाले में चले जाइए। तो इसलिए 6 सब्जेक्ट का ऑप्शन मिला। तो आई थिंक आप मेजर समझ गए होंगे, ऑल्सो आई थिंक माइनर आप समझ गए होंगे, ऑल्सो आई थिंक आप एमडीसी भी समझ गए होंगे। अब आता है दो और पेपर है जिसका नाम क्या है,
एईसी, एईसी का मतलब होता है एबिलिटी को बढ़ाना, मतलब किसी ये डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा, ये कॉलेज डिसाइड करेगा किसमें आपके एबिलिटी को बढ़ाना है। जैसे पहले सेमेस्टर में हिंदी या फिर इंग्लिश लेना होता है, तो ये एबिलिटी हो गया। एक होता है बीएससी, बीएससी का मतलब होता है वैल्यू, जो आपके वैल्यू को बढ़ा दे, कुछ एडिशनल चीज सिखाएगा, जैसे टेलरिंग आपको सिखा दे, जैसे आपको लाइब्रेरियन सिखा दे, तो इस प्रकार के कोर्स को बीएससी कहते हैं। और एक और कोर्स होता है जिसका नाम है एसईसी, स्किल इन्हेंसमेंट, मतलब आपके जो क्षमता है, जो कौशल है, इसको बढ़ा दे। ये अलग अलग चीज में बढ़ा सकते हैं, जैसे कंप्यूटर नॉलेज में, जैसे। तो ये जो सारा सब्जेक्ट है, ये 6 अलग अलग सब्जेक्ट है। खैर, 3 साल 4 साल ला तो फंडा के चक्कर में बहुत सारी बात आपको बताना पड़ गया, क्योंकि आप नए थे इसलिए सारी चीज़ों को बताना पड़ गया। तो 4 साल का ग्रेजुएशन, 3 साल का ग्रेजुएशन आप समझ गए होंगे। अब इम्पोर्टेंट आता है क्रेडिट पॉइंट, कि कौन सा कोर्स कितने क्रेडिट पॉइंट का होता है, ये इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि 4 साल कीजिएगा तो कौन सा डिग्री मिलेगा, 3 साल कीजिएगा तो कौन सा डिग्री मिलेगा, ये वाला बात को क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए, यही जब 4 साल का ग्रेजुएशन बिहार में लागू हुआ था, तो यही लंबा चौड़ा नियम कायदा कानून आया था, और इसी नियम कायदे कानून में ये चीज बताया गया था। चलिए, नियम कायदे कानून का पीडीएफ हमारे पास है, मैं आपको दिखाता हूँ इसमें। एंड ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और स्टार्टिंग से बात करेंगे ताकि चीजें समझ में आ जाए। बहुत सारी चीजें हैं नई नई आपके लिए। तो पहली बात आपने जान लिया कि ये जो ऑर्डिनेंस है, जो न्यू जो ग्रेजुएशन का जो सिस्टम है, ये 2023 से लागू हुआ था। इसके साथ आगे बात करते हैं। और ये 2023 से लागू होने के बाद अब हमेशा जो पढ़ाई है बिहार में, वो इसी के तहत होगा। यानी 2023-24 बैच में लागू हुआ था, 24-25 में भी लागू होगा। इस बार का आपको पता है कि इस बार जो एडमिशन है, देखिए क्या लिखा गया है, फॉर द करेंट सेशन 2023-24, यानी 2023 और 24 में, यानी पिछले साल जो एडमिशन हुआ था वो नंबर के बेसिस पे हुआ था क्लास 12th का, लेकिन इस बार से देखिए क्या लिखा गया, फ्रॉम द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर फॉर ऑल यूनिवर्सिटीज ऑफ बिहार एडमिशन टू द फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ द बैचलर डिग्री shall be made on unified basis on the basis of marks obtained by the candidate and 10+2 common admission entrance test। यानी इस बार से 2024 में किसी भी आपको कोर्स में एडमिशन लेना रहे बिहार में, किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, टेस्ट देना पड़ेगा। और टेस्ट का नाम क्या है, सीआईटी। सीआईटी के बारे में डिटेल में कई सारे वीडियोज है, मैं लास्ट में लगा दूंगा, सीआईटी के बारे में समझ लीजिएगा। मेन आगे बात कर रहे हैं डिग्री को लेकर के, तो ऊपर की ओर पीडीएफ करते जा रहे हैं, ऊपर की ओर पीडीएफ और कर रहा हूँ। पेज नंबर आप ध्यान रखिएगा, जिस पेज में मैं आपको खोज के दिखा रहा हूँ, ये मैंने कोर्सेज के बारे में बता दिया था कि मेजर है, माइनर है, क्या क्या किसका मतलब होता है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ देखिए प्रोग्राम के बारे में है, कि प्रोग्राम ये ऑड सेमेस्टर इवन सेमेस्टर, यही समझाया गया था कि 4 साल का कोर्स है आपका, जितना मन करे जितना पढ़िए वैसा आपको क्या मिलेगा, पॉइंट मिलेगा, ये चीज मैं आपको बताया था। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रोग्राम ड्यूरेशन एंड एग्जिट ऑप्शन, इसी के बारे में बात कर रहे हैं, कि आपको जब कितना सेमेस्टर तक पढ़िएगा तो कौन कौन सा सर्टिफिकेट मिलेगा। पेज नंबर देख लीजिए, पेज नंबर 11 है। पीडीएफ मैं आपको लगा दूंगा, पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको हमारे ऐप पर ऐसा सब कुछ अपलोडेड है, तो आप हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करें, प्ले स्टोर से जाकर के की ऑफ सक्सेस। तो इसमें देखिए क्या लिखा गया है, प्रोग्राम ड्यूरेशन एंड एग्जिट ऑप्शन। इस प्रोग्राम ड्यूरेशन में क्या लिखा गया है, अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, यानी आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीटेशन ऑफ सेकेंड सेमेस्टर, यानी अगर आप सेकेंड सेमेस्टर तक, यानी 1 साल आप पढ़िएगा, तो बस आपको मिलेगा अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट। जो अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट बस एक नॉर्मल सर्टिफिकेट है, इससे आप फॉर्म वॉर्म नहीं भर सकते हैं। इसके साथ क्या कहता है, आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ सेमेस्टर 4, यानी अगर आप चौथे सेमेस्टर तक पढ़ लेते हैं, तो आपको मिलेगा अंडर ग्रेजुएट का डिप्लोमा सर्टिफिकेट। इससे भी आपका काम नहीं चलने वाला, काम किससे चलेगा, इससे चलेगा। देखिए, आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीटेशन ऑफ सेमेस्टर 6, यानी अगर आप 6ठे सेमेस्टर तक पढ़ लीजिएगा, तो आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो है बैचलर ऑफ साइंस आर्ट्स कॉमर्स ऑनर्स, यानी आपको ऑनर्स का डिग्री मिल जाएगा, और किसी भी फॉर्म को भरने के लिए ऑनर्स का ही डिग्री चाहिए। तो इसलिए कहता हूँ, ग्रेजुएशन अगर आपको करना है, मतलब पढ़ना है आपको 6 सेमेस्टर तक, आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीटेशन ऑफ सेमेस्टर 6। और जो 4 साल पढ़ेगा, यानी जो 8 सेमेस्टर तक पढ़ेगा, उसको मिलेगा बैचलर, तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में रिसर्च का भी डिग्री मिलेगा, यानी उसका पीजी का पढ़ाई फिर 1 साल का हो जाएगा, उसको पीएचडी करने में आसान होगा। इसलिए मैं बताया हूँ कि 3 साल 4 साल क्या करना चाहिए, अब ये खुद सोच लीजिए। ये मैं बाकी बात आपको बिल्कुल एकदम डिटेल में आपको बता दिया हूँ। अगर बात करें टोटल कोर्स के बारे में, टोटल कितना पॉइंट का पूरा कोर्स होगा, तो जोड़ दीजिए, पहला सेमेस्टर 20 क्रेडिट का होता है, इसी तरीके से जोड़ते चलिएगा पूरा तक, तो जो पूरा कोर्स है, यानी जो पूरा ग्रेजुएशन है 8 साल में, हर सेमेस्टर 20-20 क्रेडिट कोर्स का कोर्स होता है, यानी कम से कम 3 साल पढ़ना है, इसका मतलब कितना पॉइंट आपका आएगा ये जान लीजिए। मतलब एक सेमेस्टर होता है 20 क्रेडिट पॉइंट का, यानी 20 पॉइंट आपको लाना है एक सेमेस्टर में,
6 सेमेस्टर तक आपको पढ़ना है, इसका मतलब कम से कम 120 पॉइंट आपको लाना है, यानी इस गेम में आपको 120 पॉइंट लाना है। टोटल जो कोर्स होता है 4 साल का 160 पॉइंट का, कम से कम आपको 120 पॉइंट लाना है। तो ये सब डिटेल इन्फॉर्मेशन था, कितना साल पढ़ना चाहिए, कौन कौन सा डिग्री मिलता है, क्या पढ़ने से फायदा है, क्या पढ़ने से नहीं फायदा है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, बट आई थिंक सारी चीजों को मैंने बताया, बहुत ही चीजों को एक्सप्लेन किया, तो इसमें थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, इसके लिए माफी चाहता हूँ। खैर, बाकी जो भी आपका कमेंट्स रहे इसके रिगार्डिंग कमेंट्स कीजिएगा। फिलहाल मैं इस वीडियो को इतना ही एंड करता हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, सो मच, थैंक यू।